दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? अपने स्विमिंग पूल में न्यू बोट आ चुके हैं यार। न्यू बोट अपडेट भी आ चुके हैं भाई यहाँ पे, और बहुत सारे डायनासोर के भी न्यू अपडेट आया है भाई यहाँ पे। देख रहे हो ना भाई, कितने सारे डायनासोर भाई यहाँ मेरे घर से जा रहे हैं भाई। इनको मैंने जुरासिक पार्क में भेज दिया है कि ये लोग चले जाए जुरासिक पार्क में, इनको खाना पीना सब मिलेगा। तो ये लोग मेरी बात मान के चले गए हैं। बाय बाय डायनासोर, दोबारा मत मिलना मेरे से कभी भी। तो ये भाई ये बहुत ज्यादा बड़े है भाई, मेरे घर को तोड़ फोड़ के रख दिया था, इसलिए मैंने बहाने से इनको भगा दिया। नहीं तो क्या पता था कि इन्होंने हमारे घर का भाई तोड़ फोड़ के बराबर कर देते। कोई बात नहीं। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन की भी न्यू अपडेट आ चुकी है, जहाँ पे भाई बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी न्यू यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, और बहुत सारे नए पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे ज्वाइन होकर आ चुके हैं। तो चलो यार, यहाँ पे डॉगी पे क्या हम बैठ सकते हैं कि नहीं भाई, इसका कोई अपडेट आया है कि नहीं? तो यहाँ पे देख सकते हो यार, डॉगी पे बैठने वाला क्यों अपडेट तो जरूर आया होगा, मेरे को लगता है कि आया होगा। तो ये देखो दोस्तों, मैं डॉगी के ऊपर बैठ गया हूँ। ये भाई डॉगी मेरे साथ चल यार। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अपना डॉगी देखो कितना अच्छे से चल रहा है भाई। ये पीछे क्यों चल रहा है? और यार ये डॉगी पे भाई मेरे को सर मार रहे भाई, लोग क्या कहेंगे भाई, कुत्ते पे बैठ के जा रहा हूँ। ओ भाई मेरे को डर लग रहा है भाई यार, ये डॉगी ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ पा भाई, इसकी तो भाई हालत खराब होने लगी। ये तो डर गया भाई मेरे से कि मैं कहीं इसकी चटनी ना बना दूं दोस्तों। तो मेरे को लगता है ना इस भाई, इस डॉगी को छोड़ो, यहाँ पे बाइक को मंगाते हैं और बाइक को मंगा कर चलते हैं। चल भाई डॉगी, मैं तेरे को जो आजाद करता हूँ। तो चलो यार, यहाँ पे जल्दी से बाइक को मंगाते हैं। तो भाई का भाई मतलब बाइक का चिटकुट किधर? नो ओके, मैं ये होंडा वाले न्यू BMX मंगाने वाला हूँ। तो ये देखो अपनी BMX आ चुकी है। अब हमको चलना चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर और देखनी चाहिए कि क्या सच में न्यू पुलिस ऑफिसर आए हैं या फिर भाई ये तो हमारे कानों का धोखा है, यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते भाई, यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे पास हम आ चुके हैं। तो ये देखो यार, पुलिस स्टेशन हमारे सामने आ चुका है। तो ये तो मतलब हम पुलिस स्टेशन के सामने आ चुके हैं। और ये देखो दो पुलिस वाले गार्ड यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं बड़ी बड़ी बंदूकों से। तो ये हमारा स्वागत करेंगे क्या? चलो चलते है। ओके हे पुलिस वाले, क्या हल चल है तुम्हारा? अरे भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे भाई ये बंदूक बहुत खतरनाक है भाई, मेरे को संभल के रहना पड़ेगा नहीं तो मार डालेंगे। ओए तुमको क्या करना है रे, और तू ये गाड़ी कैसे चला के आया है? ओ सॉरी, माफ कर देना सर जी। ओके सर जी, आप लोग न्यू यहाँ पे आयो। और यहाँ पे देख तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब कि भाई इन सबको भी कंप्लेन लिखवानी है। लेकिन ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, इसलिए पुलिस वालों के डर से ये सभी लोग अस्थिर से बैठे हुए हैं। और अंदर तो वहाँ पे देख सकते हो यार, जेल के अंदर एक कैदी भी घुसा हुआ है। ओके भाई तूने क्या किया है वैसा? भाई मैंने तो सिर्फ पर्स पाड़ा था एक आदमी का, इन्होंने मुझे मार मार के मेरे को जेल में डाल दिया और 4 साल की सजा भी सुना दी। अरे भाई ये 4 साल की सजा एक पॉकेट मारने के लिए? भाई ये तो बहुत खतरनाक पुलिस वाले लग रहे हैं। हेलो सर, क्या हाल है आपका? ओए तू चुपचाप नीचे उतरता है टेबल से कि तेरा टांग तोड़ दूं? अरे सर जी गुस्सा क्यों? अरे बाप, ओए तू नहीं मानेगा क्या? ऐसे तेरे को उठा के मैं पटक दूंगा, समझा कि नहीं? तुझे भी जेल में जानी है क्या? तुझे भी जेल की हवा खानी है क्या? तो बता, मैं तेरे को जेल की हवा खिला देता हूँ। अरे तुम लोग गुस्सा क्यों होते हो? मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, मैं इसी सिटी का रहने वाला हूँ और तुमसे पहले से रह रहा हूँ। तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ कि तुम लोग सिटी का रक्षा करोगे, तुम लोग तो गुस्सा हो गए मेरे से। मैंने कुछ नहीं किया यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मेरे को मार क्यों रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे तो मैं सिर्फ बात करने आया था इनसे, और ये लोग तो गए मेरे को मार रहे हैं भाई। अपना गुंडागर्दी मेरे ऊपर दिखा रहे भाई, यहाँ पे देख रहे हो वर्दी का भाई गर्मी लोग मेरे ऊपर उतार रहे। अरे भाई सभी जगह से मेरे को मारने के लिए आ गए, भागो भाई यहाँ पे। अरे ये पुलिस वाले तो मेरे ऊपर गोली भी बरसा रहे हैं भाई, भागो जल्दी इधर से, नहीं तो ये पुलिस वाले मेरे को यहीं पे खत्म कर देंगे दोस्तों। ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा डेंजरस है दोस्तों, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, भागो जल्दी इधर से। अरे अरे भाई ये पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं भाई, मेरे को मारने के लिए। भाई मैंने तो सिर्फ बात ही पूछी थी इनको, मेरे को क्या मालूम तो भाई ये लोग मेरे को मारने लगेंगे यार। चुपचाप इधर से चलो पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं दोस्तों, नहीं तो भाई ये अपनी बैंड बजा देंगे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डायनासोर लोग यहाँ पे जा रहे हैं भाई यहाँ पे। और ये लोग समुंदर के पास पानी पीने आए थे और इन्होंने पानी पी के अब यहाँ से जा रहे हैं। मैं इनको गोली से उड़ा दूंगा, टीरेक्स ये ले। ओके इनको छोड़ो भाई, गोली से बाद में उड़ाएंगे। अरे यार लेकिन ये डायनासोर जा कहाँ रहे हैं भाई, और ये लोग सिटी में कैसे घुस गए भाई? इनको भाई जंगल में रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत सारे घरों को तबाह करके रख देंगे और बहुत सारे लोगों को मार देंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये सारे डायनासोर है ना शाकाहारी है यार, और ये लोग घास फूस खा के रहते हैं, ना कि भाई कोई मांस मीट नहीं खाते हैं। तो भाई ये शाकाहारी मतलब है, तो मेरे को इनको रक्षा करना पड़ेगा भाई, इनको लेके जाना पड़ेगा। अरे डायनासोर कहाँ जा रहे हो, मेरे को भी बताओ यार तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुझे क्यों बताऊँ टकले, मैं तुझको नहीं बताऊंगा, क्या कर लेगा? अरे भाई डायनासोर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमको एक अच्छी रास्ता दिखा दूंगा जिससे तुम अपने घर के पास वापस चल जाओगे। ओए मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए इंसान, तेरा कचूमर निकाल देंगे अगर तू हमारे सामने आए तो। अरे यार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मदद क्यों नहीं करने देते यार? ये कौन सी भाई गुंडागर्दी है भाई, एक तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ और ये लोग चाहते हैं भाई मैं इनकी मदद ना करूँ, तो मैं क्या करूँ भाई इसका? ओके यहाँ पे डायनासोर चुपचाप अपनी बात मान लो, नहीं तो भून डालूंगा तुम लोग को गोली से। अरे अरे इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? माफ कर दे, माफ कर दे, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ओके बता यार तू क्या चाहता है? ओके मैं
बता दिया चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे शहर से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे शहर का तबाही मचा के रख दोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे शहर में तबाही मचा के रखो, इसलिए चुपचाप इधर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा। ये देखो भाई, जेट पैक मंगा लिया भाई, इनसे ऊपर थोड़ा इनके आमने सामने जाके बात करना पड़ेगा ना भाई, आंख में आंख डाल के, तभी इनको थोड़ा रौब हम लोग झाड़ पाएंगे और इनको डरा पाएंगे। नहीं तो भाई, ये लोग हमसे डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े 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 खतरनाक डायनासोर है। ओए समझे कि नहीं भाई, तुम्हारा वजन कितना होगा वैसे डायनासोर? अरे दोस्तों यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे भाई मैं ऊपर उठ रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो डायनासोर अब आमने सामने बात करता है। तुम्हारा वजन कितना होगा वैसे? 500 किलो होगा ही। अरे झूठ मत बोलो, तुम लोग 5,000-10,000 किलो से कम के नहीं हो। और बताओ यहाँ पे तुम मेरे सिटी में कैसे घुस गए? क्योंकि तुम्हारी प्रजाति तो खत्म हो चुके, फिर भी तुम यहाँ पे वापस कैसे लौट आए? ओके मैं तुमको क्यों बताऊं, वैसे तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और चुपचाप इधर से चले जाओ, नहीं तो ऐसा मार मारूंगा ना कि तेरा जेट पैक के साथ तू भी हवा में उड़ जाएगा। और मेरे ऊपर गुंडागर्दी झाड़ता है तू, तेरे को इतना लगता है भाई, इनको लगता है कि भैया मेरे को उड़ा देंगे हवा में, तो लगता है इनको बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन है और इस सिटी का डॉन कौन है। भाई मैं हूँ इस सिटी का डॉन, और जो मुझसे टकराएगा मैं उसको मिट्टी में मिला के रख दूंगा, और उसके बाद मार मुक्का के मैं उनका कचुमा निकाल दूंगा। दोस्तों ये लोग अब मेरे को नहीं जानते ना, तो अब जान जाएंगे। ओके चुपचाप इधर से चले जा भाइयों, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने बोट के पास। भाई बोट्स को भी चलानी है ना भाई, वो लोग कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई कि मैं कब आऊंगा और बोट्स को चलाऊंगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने बोट्स को चलाते हैं भाई, नहीं तो पता नहीं दोस्तों क्या कह रहे हो भाई, अपना बोट्स का क्या हाल होगा। यहाँ पे देख रहे हो भाई, सारे डायनासोर वहाँ पे घूम रहे हैं भाई, मेरे डर से तो भाई एकदम, मतलब मेरे डर से भाई वो लोग कांप रहे हैं, और इसलिए वो पे वहीं पे खड़े हैं। मैंने उनको कह दिया है कि अगर तुम वहाँ से हिले ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जानते हो कि नहीं? ओके तो ये डायनासोर तो डर के मारे वहीं पे खड़े हुए हैं, चलो अच्छा है कि खड़े हुए हैं, नहीं तो भाई आज इनका मैं टांग तोड़ दूंगा इधर से हटे तो चलो यहाँ पे थोड़ा बोट्स को चला लेते हैं और देखते हैं क्या मजा आता है कि नहीं बोट्स को चलाने में। ओके यहाँ पे ये नाव रही अपनी, यहाँ पे नाव चलती भी है या फिर 100 पीस में तो नहीं है ना, तो ये देखो अपनी नाव तो चलती भी है दोस्तों, ये देखो नाव तो चल रही है भाई और बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों नाव को चलाने में। ओके ये देख सकते हो भाई न्यू अपडेट, तो वक्त है आपको बताने का भाई इनका चीट कोड क्या है, और आखिर इन बोट्स का चीट कोड क्या है, और डायनासोर जो नए नए डायनासोर आए हैं उनका चीट कोड क्या है, जिससे तुम मालूम कर सकते हो भाई, और कभी भी किसी भी डायनासोर को मंगा के अपना दोस्त बना सकते हो यार। तो वक्त है तुमको यहाँ पे चीट कोड बताने का, तो सबसे पहले मैं इस शाकाहारी डायनासोर का चीट कोड बताऊंगा तुमको, जो कि भाई जिसका 4 टांग है और जो सबसे बड़ा डायनासोर है उसका चीट कोड है यहाँ पे 53। तो यहाँ पे 53 यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा वाला डायनासोर, और 52 में भाई एक और खतरनाक वाला 55 में डायनासोर नहीं आएगा बल्कि आएगा 52 में। तो ये देखो 52 से मैं मंगाता हूँ, ये देखो यार ये भी शाकाहारी है, पता नहीं ये कौन सा डायनासोर, एस पॉइंट डायनासोर इसका नाम है। और टीरेक्स को मंगाना चाहते हो तो 51 सर्च करो, यहाँ पे टीरेक्स भी बहुत बड़ा बन के आ जाएगा। तो देख सकते हो अपने दोस्तों यहाँ पे 3-3 डायनासोर को मंगा लिया है। अब वक्त है बताने का कि बोर्ड्स का चीट कोड क्या है, तो मैं तुमको बता देता हूँ यार, बोर्ड्स का चीट कोड यहाँ पे तुमको मिलेगा भाई 3001। तो यहाँ पे 3001 अगर सर्च करोगे ना तो तुमको बोर्ड्स का चीट कोड मिलेगा यार। और यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे बोर्ड्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो का आखिर तुमने एंजॉय कर लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया जैसे ही तुम बेल आइकन प्रेस करोगे तुमको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी, जिससे तुम सबसे पहले ऑडियंस बनकर हमारे वीडियो को देख सकते हो। और लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने।